हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस स्टडी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक आर्थिक गतिविधियाँ और गैर आर्थिक गतिविधियाँ। लेट्स मूव अहेड विद मी टू डिस्कस दिस कॉन्टेंट इन डिटेल एंड सिंप्लीफाइड मैनर। वीडियो नू शुरू तो लेके एंड तक देखियो, कदे भी इस टॉपिक नू तुसी नहीं भूल पाओगे। यू विल ग्रैब दिस टॉपिक परमानेंटली आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। लेट्स सी, यस स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, असीमित लोड़ा ने। एक तो बाद एक लोड़ इंसान दी पैदा हुई जाती है। एंड टू सेटिस्फाई दोज वांट्स एवरी ह्यूमन बीइंग परमानेंटली गोइंग टू इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। हर इंसान लगातार दिया क्रियावां दे विच लग्या रहिंदा है क्योंकि इंसान ने अपनी लोड़ां पूरियां करनियां ने। उन्हां दे विचों बहुत सारियां लोड़ां सोशल भी हो सकदियां ने, साइकोलॉजिकल भी हो सकदियां ने, इकोनॉमिकल भी होंदियां ने, कल्चरल भी हो सकदियां ने, सेंटीमेंटल बेस्ड भी हो सकदियां ने। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज इंसान करदा है जदों एज ए ह्यूमन बीइंग इस जमीन दे उत्ते वो विचरदा है। तुसी भी करदे हो, तुसी अपने पेरेंट्स नाल देखो कि वो सारा दिन किसी ना किसी काम दे विच लगे रहिंदे ने। इस ढंग दे नाल हर इंसान अपनियां असीमित लोड़ां नूं पूरा करन दे लई स्टूडेंट्स बहुत सारे काम करदा है, जिन्हां नूं असीं गतिविधियां दा शब्द दे रहे हैं इत्थे एक्टिविटीज़। इकनोमिक्स दे विच या बिजनेस दे विच जदों असीं इन्हां एक्टिविटीज़ की गल करते हैं तो उन्होंने दो हिस्सों वंड के देखा जाता है, क्योंकि जिन्ना मैं दो एक्टिविटीज़ की गल करूँगा उन्हां दे मकसद भी अलग अलग सानू देखन नूं मिलणगे। उन्हां दे विचों पहली गतिविधि है इकनोमिक एक्टिविटी ते दूसरी है नॉन इकनोमिक एक्टिविटी। मतलब इंसान बहुत सारिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है तो बहुत सारिया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, आर्थिक गतिविधियाँ अते गैर आर्थिक गतिविधियाँ। आओ स्टूडेंट्स इन्हां दे बारे अपन डिटेल दे विच अलग अलग पहला डिस्कस करिए। यस स्टूडेंट्स, इन्हां दे विचों सब तो पहली एक्टिविटी जिस दे बारे आप गल करांगे वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की होंदियां ने आर्थिक गतिविधियाँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच इनक्लूड्स प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स और गुड्स और वी कैन से सर्विसेज आल्सो फॉर द सेल पर्पस टू अर्न सम प्रॉफिट। आराम नाल समझो, ओहो आर्थिक गतिविधियाँ जो किसी वस्तु या सेवा नू पैदा करन, उसका एक्सचेंज करन, वटांदरा करन, अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करन दे नाल संबंधित ने, या वह वस्तुआं जां सेवावां दूसरे कंज्यूमर्स नूं प्रॉफिट कमाण दे मकसद दे नाल वेचण दे लई वह वस्तुआं जां सेवावां पैदा कीतियां जा रहियां ने या उन्हां दी वंड कीती जा रही है तां कि कंज्यूमर उन्हां वस्तुआं जां सेवावां दा उपयोग कर सके। उन्हां सारियां एक्टिविटीज़ नूं स्टूडेंट्स असीं आर्थिक गतिविधियां कहिंदे आ। आर्थिक दा मतलब अर्थ, पैसा, सिंपल भाषा जिथे पैसा जुड़िया हुआ जिन्हां क्रियावां दे विच, जिथे मकसद प्रॉफिट अर्न करना हो सकता है वह क्रियावां नूं भी असीं आर्थिक क्रियावां कहिंदे आ। फ्रेंड्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने उहदे भी अगे तीन रूप देखण नूं मिलदे ने। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशन एज अ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। इस दे बारे एक अलग वीडियो है जिसनों जिथे डिस्कस किया गया तुसी उसनों इस चैनल ते देख पाओगे। स्टूडेंट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नूं आपां होर डिटेल च समझदे हैं। ये तुहाडे सामने एक पिक्चर दिख रही है, सेंटर दे विच इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सानू पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की होंदियां ने, द एक्टिविटीज़ ऑफ मेकिंग परचेजिंग एंड सैलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुआं या सेवावां नूं बनाना, परचेज करना या वेचना, इहदे नाल संबंधित जिन्नी भी गतिविधियां ने वह सारी दी सारियां आर्थिक गतिविधियां या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंदियां ने। जिथे तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नूं इस चित्र दे विच दिखाया गया, स्पेक्चर दे विच इत्थे एक्सप्रेस किया गया, इहदे विच सैलिंग एंड बाइंग दोनों शामिल ने, गुड्स एंड सर्विसिज़ की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसिज़ उन्हां दी वंड भी शामिल है,
ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ? ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰ ਮਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਕਿੰਗ ਦੈਮ ਟੂ ਸੈਲ ਅਗੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੋਬਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ, ਪਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੋਨੀਟਰੀ ਆਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੇ 4-5 ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੋਪਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਟਰੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੋਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਇਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਗੈਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਬਾਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਵਿਦ ਸੋਸ਼ਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਕਲਚਰਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਔਰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਪਰਪਸ। ਆਲ ਦੋਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਲਚਰਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਗੈਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਵਨ ਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਨੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੋਟਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਪਰਫੋਰਮਡ ਜਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿੰਪਥੀ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ, ਪੈਟਰੀਜ਼ਮ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਵਿਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਪਸ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੰਪਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਭਜਨ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਾਓ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਾਓ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ? ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਗੀ, ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਾਂ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ? ਯੈਸ, ਠੀਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਫਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼।
टीचर किसी नूं फ्री पढ़ा रहे हैं तो नॉन इकनोमिक एक्टिविटीज इस टाइप के नाल तुसीं इसे तरह कोई मजबूर सड़क के इधर किनारे ते खड़ा सी कोई बुजुर्ग सी तुसीं उहदा हथ पकड़िया दूसरी जगह ते जाके उहदा हथ पकड़ के छड़ के आए तो यह भी नॉन इकनोमिक एक्टिविटी। इसलिए स्टूडेंट्स ध्यान नाल इस गल नूं सुनो कि इकनोमिक ते नॉन इकनोमिक एक्टिविटीज़ दे विच शामिल तो सारिया एक्टिविटीज़ ने बस मकसद की है एक पासे इकनोमिक मकसद है आर्थिक एक पासे नॉन इकनोमिक मकसद है गैर आर्थिक एक पासे प्रॉफिट कमाना हो सकता है एक पासे सेवा भावना हो सकती है। एग्जाम दे विच स्टूडेंट्स जनरली आ जाता है किसी एक्टिविटी नूं देके पूछा जा सकता है कि यह एक्टिविटी इकनोमिक एक्टिविटी है या नॉन इकनोमिक एक्टिविटी। आई थिंक तुसीं ईजीली हुण दस पाओगे। क्लीयर ना स्टूडेंट्स। आओ हुण एक गल होर करते हैं। जनरली एग्जाम च कहा जाता है कि दोनों के विच बेसिकली डिफरेंस दसो। जो तुसीं दोनों नूं ही समझ गए इकनोमिक एक्टिविटीज़ की ने नॉन इकनोमिक की ने तो इहदा डिफरेंस करना तो बहुत आसान है। फिर भी आपां कुछ बेसिस ने कुछ आधार ने जिस दे आधार ते असीं इहनां दा डिफरेंस कर सकते हैं। आओ देखिए वो डिफरेंस असीं किवें कर सकते हैं। ये स्टूडेंट सब तो पहला दोनों का जिहड़ा डिफरेंस है असीं उहनां दे मीनिंग दे आधार ते जिक्र करिए तो क्लीयर है कि इकनोमिक एक्टिविटीज़ की ने विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मनुखी लोड़ां नूं पूरा करन दे लई पैसा कमाण दे लई जिन्नियां भी एक्टिविटीज़ कीतियां जांदियां ने इकनोमिक एक्टिविटीज़। दूसरे पासे स्टूडेंट्स नॉन इकनोमिक एक्टिविटीज़ की ने इह उह एक्टिविटीज़ ने जिन्हां दा मकसद समाजिक धार्मिक ते मानसिक संतुष्टि दे लई हुंदा है। इहनां दा उद्देश की हुंदा है धार्मिक हो सकदा है मानसिक हो सकदा है व्यक्तिगत संतुष्टि दे लई हो सकता है। वह सारिया एक्टिविटीज़ जिहड़ियां सोशल जां रिलीजियस मोटिव तो कीतियां जांदियां ने की ने नॉन इकनोमिक एक्टिविटीज़। इस तो बाद इन्हां दे स्कोप की गल करिए कार्ज खेत्र की जिथे गल हुंदी है दीज एक्टिविटीज़ आर बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर तो लेके कंज्यूमर तक वस्तु के पहुँचन नाल संबंधित जिन्हिया भी क्रियावान ने जिन्हिया भी आर्थिक क्रियावान ने पैसे नाल जुड़िया हुई वह सारिया गतिविधियां ही इकनोमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट ने। वस्तुओं को सिर्फ पैदा करना फिर पहुँचाना उसकी एडवरटाइजिंग करनी मार्केटिंग करनी बैंकिंग दियाँ फैसिलिटीज़ इंश्योरेंस दे कॉन्सैप्ट कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स बैटर जानते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर देयर। इस सारी दी सारियाँ इकनोमिक एक्टिविटीज़ ने इस करके दा कार्ज खेत्र काफ़ी विस्तृत लगता है वाइडर स्कोप ऑफ इकनोमिक एक्टिविटीज़ देयर। दूसरे पासे जिहड़ियां नॉन इकनोमिक एक्टिविटीज़ ने यह ह्यूमन बीइंग्स द्वारा परसनल बेसिस दे उत्ते सोशल या रिलीजियस ग्रुप्स दे बेस दे उत्ते कीतियां जांदियां ने। इहदा जिहड़ा कार्ज खेतर है कंपैरेटिवली इकनोमिक एक्टिविटीज़ दे उहदे नालों थोड़ा संकुचित हुंदा है छोटा हुंदा है। इस तो इलावा गल करदे आ परपज मकसद की है दोनों का। जिहड़ियां इकनोमिक एक्टिविटीज़ ने इहनां दा मेन मकसद हुंदा है मोनेटरी परपज पैसा सिर्फ पैसा ते पैसा। दूसरे पास स्टूडेंट जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद सोशल रिलीजियस साइकोलॉजिकल एंड सेंटीमेंटल पर्पस। एक सिंपल जहाँ डिफरेंस हो रहा है कि मनी दे विच असी किनू मेजर कर सकते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने उहदा मेजरमेंट मोनिटरी दे रूप दे विच ही हुंदा है जदों कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ असी उहनू पैसे च माप तो सकते हैं पर हमेशा पैसे नाल रिलेशन होवे कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुसीं किसी नूं दवाई फ्री च दित्ती उन्होंने दवाइयां दा कोई कीमत तो हो सकती है ना मोनिटरी वैल्यू तो मापी जा सकती है। दूसरे पासे तुसीं किसी की सेवा की फ्री च गाना गाया तुसीं उहदे बदले च कोई पैसे की वैल्यूएशन नहीं हैगी। स्टूडेंट्स इकनोमिक ते नॉन इकनोमिक एक्टिविटी असीं डिफरेंस इन्हां दी किस्म दे आधार ते भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकनोमिक एक्टिविटीज़ दीज आर बिजनेस इंप्लायमेंट एंड प्रोफेशन। कड़िया ने तीन व्यापार पेशा अते रुजगार। दूसरे पासे जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने उन्हां दीआं टाइप्स डिफरेंट टाइप्स हो सकदियां ने दे कैन बी ऑफ रिलीजियस नेचर ऑफ मॉरल वैल्यू नेचर ऑफ सोशल नेचर ऑफ सेंटीमेंटल नेचर डिफरेंट टाइप दीआं जिहड़ियां फैमिली बेस्ड भी हो सकदियां ने। इस तों इलावा स्टूडेंट्स तुसीं इकनोमिक ते नॉन इकनोमिक एक्टिविटीज़ डिफरेंस करने लिए उत्थे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो डिपेंड्स अपॉन के द क्वेश्चन जिहड़ा एग्जाम च आ रहा है किन्ने मार्क्स का है। दो मार्क्स का ज़्यादा डिफरेंस नहीं लिखने जे चार मार्क्स का तुसीं नंबर ऑफ डिफरेंसिज ने जिहड़े ज़्यादा उत्थे एक्सप्रैस कर सकते हो। आई थिंक द होल कॉन्सैप्ट इज़ क्वाइट क्लीयर। यस एक गल ध्यान रखो इस चैनल ते जानकारी ही चैनल ते बहुत सारिया वीडियोज़ ऑलरेडी ने आने वाले समय च भी बहुत सारिया वीडियोज़ आदि रहनगियां डिफरेंट सबजैक्ट्स के उत्ते मोटिवेशनल वीडियोज़ आलसो देयर। सो स्टूडेंट्स उन्होंने भी देखते रहो अगे शेयर भी करो सब्सक्राइब करो इस चैनल नूं।
अगली वीडियो का भी इंतजार करो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।